छतरपुर में विगत 15 अप्रैल से जारी मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा का क्रमिक अनशन आज भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। हम आपको बता दें कि मेडिकल संघर्ष मोर्चा द्वारा 3 सूत्रीय मांगों को लेकर क्रमिक अनशन किया जा रहा था। इस दौरान विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों सहित पत्रकार संगठनों द्वारा मेडिकल संघर्ष मोर्चा के समर्थन में अनशन किया और मुख्यमंत्री के नाम प्रतिदिन जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र मेडिकल कॉलेज निर्माण शुरू कराने की मांग की। लेकिन जब बात नहीं बनी तो 30 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य एवं वरिष्ठ पत्रकार हरि अग्रवाल ने आमरण अनशन पर बैठने का निश्चय किया और आज पहले ही दिन सत्ता पक्ष भाजपा के जिलाध्यक्ष मलखान सिंह ने धरनास्थल पर पहुंचकर एक माह का लिखित आश्वासन देकर आमरण अनशन हरि अग्रवाल को जूस पिलाकर समाप्त करा दिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया था, लेकिन विगत 4 वर्षों से मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर कई सकारात्मक पहल नहीं हुई, जिससे छतरपुर सहित समूचे बुंदेलखंड की जनता में बेहद आक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगामी 1 माह में मेडिकल कॉलेज निर्माण संबंधित कार्य शुरू हो पाता है अथवा नहीं, यह बड़ा सवाल है। इस अवसर पर छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी सहित भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह व भाजपा के पदाधिकारियों के अलावा मेडिकल संघर्ष मोर्चा के सदस्य मौजूद रहे। पिछले 15 दिनों से छतरपुर मेडिकल संघर्ष मोर्चा के द्वारा 15 दिन से क्रमिक अनशन यहां जारी था और आज मेडिकल संघर्ष मोर्चा के और समाज के एक वरिष्ठ पत्रकार भाई हरि अग्रवाल जी आमरण अनशन पर यहां पर बैठ गए और उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हम जब तक मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य शुरू नहीं होता है तब तक हम आमरण अनशन करेंगे। हम लोगों ने, सभी लोगों ने, शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने, सभी सम्रांत लोगों ने ये खबर जब सुनी तो सब लोग यहाँ पर आके और समझाने का प्रयास किया कि ये प्रक्रिया चल रही है और ये प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ रुकावट या कोई समस्या है तो वो धीरे धीरे निपट जाएगी और ये क्रमिक अनशन जो है, जो आपने आमरण अनशन किया है इसमें छोड़िए, हम लोग सब लोग भोपाल जाके मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, बात करेंगे। भाजपा के जिला अध्यक्ष भाई मलखान सिंह जी भी यहाँ पर आ गए और उन्होंने भी इस संबंध में हरि अग्रवाल जी को आश्वस्त किया कि आप अनशन छोड़िए और हम आपके साथ हैं। भोपाल उच्च स्तर पर मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे और आपको आश्वस्त करते हैं कि 1 माह के अंदर अगर ये मेडिकल कॉलेज की निर्माण की कार्य और जो गतिविधि आगे शुरू होनी है उसको चालू कराएंगे, नहीं तो हम खुद आपके साथ में आमरण अनशन में यहाँ बैठेंगे, ये उन्होंने आश्वस्त किया है। और लिखित में मलखान सिंह जी ने भाई हरि अग्रवाल जी को पत्र भी दिया है, आश्वस्त भी कराया है। हम सब लोगों ने हरि अग्रवाल जी से ये अनुरोध किया कि अगर सब लोग आपको इस चीज़ पर एक सहमति बनी करनी चाहिए या आमरण अनशन छोड़िए, हम 1 महीने के बाद सब लोग आपके साथ यहाँ पर बैठेंगे और अपनी हक की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार। आमरण अनशन का भी निर्णय लिया क्या ने? मेडिकल कॉलेज की लंबी लड़ाई लड़ने के उपरांत छतरपुर जनता जनता जनार्दन के सहयोग से मेडिकल कॉलेज का 2018 में शिलान्यास हुआ था मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी के द्वारा। 19 में टेंडर लगे किंतु 4 साल विभिन्न कारणों से, 2 साल कोरोना के कारण, 2 साल जो है कोर्ट के स्टे के कारण काम रुक गया था। जैसे ही सारे व्यवधान खत्म हुए तो पहले पता चला कि ठेकेदार ने मना कर दिया काम करने से रेट बढ़ाने के लिए। फिर हमारे सुरेंद्र भाई ने पता किया तो पता चला कि जो अपना बजट ही नहीं लाग हुआ है, अदा मजबूर होकर के फिर हम लोग यहाँ पर मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा की बैनर तले क्रमिक अनशन पर 15 अप्रैल से बैठे। 15 दिन तक जब किसी प्रकार से कोई भी शासन या प्रशासन का व्यक्ति हमारे पास हमारी मांग मानने या सुनने के लिए नहीं आया, तब मजबूर होकर के हमने यहाँ पर आमरण अनशन का आज फैसला लिया। और आज आमरण अनशन का हमारा पहला ही दिन था, हमारा कतई उठने की इच्छा नहीं थी किंतु पूरे दबाव के कारण हमारे मेडिकल संघर्ष मोर्चा के हमारे संयोजक वन माटनी दादा डॉक्टर सुभाष चौबे, हमारे जो है ना पितातुल बड़े भाई आदरणीय जय भैया, सदर विधायक आलोक चतुर्वेदी जी और हमारे जिला अध्यक्ष भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी के मलखान सिंह जी ने लिखित आश्वासन दिया
एक महीने के अंदर यदि कार्य प्रारंभ नहीं होता है तो हम स्वयं आपके साथ यहाँ विधायक जी ने भी कहा कि दोनों लोग यहाँ हम अनशन करेंगे और मेडिकल कॉलेज की मांग किसी न किसी प्रकार से पूरी करेंगे। हम फिर सभी लोगों के यहाँ जुड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हम अनिच्छा से उठ रहे हैं, हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन सभी के दबाव के कारण हमें अपना प्राण छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन हम सभी से पुनः प्रार्थना करते हैं कि हमारी तीन मांगें थीं और तीनों मांगों पर एक साथ कार्रवाई हो, तभी जो कि मेडिकल कॉलेज की हमारी मांग पूरी होगी, अन्यथा हम सबके दबाव में उठ रहे हैं, मन से नहीं उठ रहे। क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन तो यह है कि ये जो मेडिकल के कॉलेज के लिए आप बैठे थे, ये इनका काम नहीं था, हम आप सभी का काम है और सभी लोग इसमें सहभागिता रहेगी और जो काम आप अधूरा पड़ा है उसको अपन करवाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और हमारा तो हमने जो आश्वासन दिया है मैंने आपको, हमने कहा कि एक महीने के अंदर यदि उसमें कोई गतिविधि चालू नहीं होती है तो हम अनशन पर आपके साथ यहाँ बैठेंगे। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।